आज वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि हम अपने फोटो की जो साइज़ है उसको, जैसे कि हमारे एग्ज़ाम पे कोई भी हम अगर फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें 20 KB से 50 KB लेता है, तो हम फ़ोटो की साइज़ को कैसे कम करें, तो आज वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो हमारे चलिए आज की वीडियो को शुरू कर देते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर इसकी वीडियो देखने को मिलने वाली है। तो सिंपली आज की वीडियो हम शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या कर लेना है, हम जो है हम प्ले स्टोर अपना ओपन कर लिए हैं, यहाँ से हमने प्ले स्टोर ओपन कर लिया। इसके बाद हमें यहाँ से प्ले स्टोर ओपन करने के बाद हमें हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से हमें सर्च बार में सर्च कर लेना है इमेज कन्वर्टर हम सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आप देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हमें जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है फ़ोटो कन्वर्टर फाइल कन्वर्टर JPG, ये हमारे 1 2 3 4 6 नंबर पर है। सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे, तो क्लिक कर देंगे आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो है हम मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। और देखिए यहाँ पर 1 मिलियन+ डाउनलोड है, यानी कि ये फेक कोई एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए हम इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसके बाद हम इंस्टॉल कर चुके हैं, यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद जो ये हमारी फाइल जो है ओपन करने की, इसके बाद जो फ्री आपको दिख रहा है इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली एक बार इसको बैक कर देंगे तो यहाँ से ये बैक हो जाएगी। इसको जो परमिशन यहाँ पर मांगेगा उस परमिशन को हमें अलाउ कर देना है, अलाउ कर देंगे। इसके बाद हमारी जो है परमिशन यहाँ पर अलाउ हो गई है, जो वहाँ पर आपको पेड के लिए मांग रहा था उस पर आप सिंपली बैक कर देंगे तो आपको वहाँ पर पेड नहीं मांगेगा। इसके बाद हमें कन्वर्टर वाले ऑप्शन पर यहाँ से कन्वर्टर देख सकते हैं। इसके बाद कोई भी फ़ोटो को रिसाइज करना है तो यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा रिसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ये हमारी गैलरी ओपन कर देगी। जैसे हमारी फ़ोटो मैं कोई फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया ये वाली फ़ोटो, मैंने ये फ़ोटो ले लिया। इसके बाद वन आइटम से सिंपली क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से जो है रिसाइज परसेंटेज, हम इसके परसेंटेज को कम कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ से हम ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 30 KB, मैंने ले लिया 30 KB। लेने के बाद हमें सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेव वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ोटो देखो 33 KB में बन चुकी है। तो ऐसा करते हैं आपको इसी तरीके और जितनी फ़ोटो जो है उसकी साइज़ को आप कम कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, आपको वीडियो पसंद आए होगी, इसी तरीके और एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो और भी देखने के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं।